नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एनटीपीसी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था। एनटीपीसी में प्री और मेन दो एग्ज़ाम होते हैं। प्री एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आए थे उनकी हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनकी हम बात करेंगे। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। कौन सी सिटी में? वेटिकन सिटी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जो जर्मेनियम धातु है उसका प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। ये जो लाला लाजपत राय साहब हैं ये पंजाब के निवासी थे। जो आपका पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपका पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। और जब इसी के साथ में पंजाब नेशनल बैंक एवं सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस जो वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? FDI जो FDI होता है ना, इसका पूर्ण रूप की बात करें तो F का मतलब होगा फॉरेन, D का डायरेक्ट, I का इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग, नीति आयोग जो नीति आयोग है NITI, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग की शुरुआत 1950 में शुरुआत होती है, जबकि आपकी योजना आयोग को समाप्त करने के बाद भाजपा सरकार नीति आयोग को लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, DNS का तात्पर्य होता है, DNS से जो DNS है इसका फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म है। अकबर का निवास स्थान, अकबर जहाँ रहता था उसका निवास स्थान आगरा था। ये आगरा आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा जी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। तिरंगा जी जो है कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। भारत देश के और पाकिस्तान देश के राष्ट्रीय खेल की हम बात करेंगे तो हमारा फील्ड हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल होगा। इसी के साथ भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश की हम बात करेंगे तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल आपका होगा कबड्डी। और जबकि श्रीलंका देश की हम बात करेंगे तो श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल होगा वॉलीबॉल, जिसमें 6 प्लेयर होते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चाइना देश का राष्ट्रीय खेल होगा डबल टी का मतलब हो गया टेबल टेनिस आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हमें बात करेंगे तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है आपका बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मिशन रफ्तार परियोजना रेल यातायात से संबंधित है। मिशन रफ्तार जो परियोजना थी वो किससे संबंधित थी? मिशन रफ्तार परियोजना आपकी रेल यातायात से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में होती है और 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका था आंध्र प्रदेश। कौन सा? AP आंध्र प्रदेश। इसके वर्तमान CM है जगमोहन रेड्डी साहब इनके वर्तमान में CM हैं। और इसी आंध्र प्रदेश से आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग होता है, इसलिए तेलंगाना अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है अपना। और जो तेलंगाना है उसकी राजधानी है आपकी हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और जो आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, DNA जिसकी एजेंसी है वो भी आपकी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा एक पौधे से संबंधित है जबकि फौना जंतु से संबंधित है। फ्लोरा और फौना पौधे और जंतु से संबंधित हैं। बेन किंग्सले मोशन पिक्चर से संबंधित हैं। महात्मा गांधी सन 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो डेट थी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत में लौटते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनीत से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है आपका कौन से उपनीत से लिया गया? मुंडक उपनीत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायु में दहने की गति की तुलना
वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु सुपरसोनिक कहलाती है। सुपरसोनिक किसको कहते हैं? वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु को सुपरसोनिक कहते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8,000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेल नेटवर्क 8,000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को रेल की शुरुआत होती है। मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच की दूरी थी आपकी 34 किलोमीटर की दूरी। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी साहब, डलहौजी साहब उस समय भारत के गवर्नर थे। और उसी 1853 में आपकी डाक विभाग की शुरुआत होती है। डाक प्रणाली की शुरुआत भी आपके 1853 में होती है। रेल प्रणाली भी आपके 1853 में शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जो हबल है वो हबल का जो नियम होता है वो खगोलिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नदी द्वीप मांजुली जो कि भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है असम में स्थित है। मांजुली द्वीप कहाँ है आपका? मांजुली द्वीप आपका असम में है। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? WWF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। WWF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है आपकी 1969 में, और 1969 में भारत में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत होती है। और भारत की तो इसरो है, जबकि अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की होती है नासा अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ये आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। भारत में 1958 में DRDO की स्थापना होती है। जो नासा की स्थापना होती है 1958 में, उसी समय भारत में DRDO की स्थापना होती है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी से डिफेंस, आर से रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपका, DRDO का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। वर्तमान में भारत की वित्त सचिवालय जो संभाल रही है आपकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनका निर्वाचन क्षेत्र आपका कर्नाटक से है, राज्यसभा से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का पलायन वेग, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण कहा जाता है। जो हंगुल प्रजाति होती है उसको कश्मीरी हिरण कहा जाता है। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क में उपस्थित होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मानव मस्तिष्क में उपस्थित होता है। रेलवे वायर रेलवे ब्रांड बैंड सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिरोध कण को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिरोध कण को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। 1915-16 में जो स्थापित, किसकी स्थापना हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना 1915-16 में होती है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। विश्व में मैग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। ये आपकी विभवांतर की परिभाषा है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव आपका गुजरात में मनाया जाता है। ये गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है और गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है लोथल बंदरगाह है। और ये गुजरात पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। 572 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के 512 किलोमीटर की सीमा ये गुजरात आपका पाकिस्तान के साथ बनाता है, जबकि समुद्र के साथ जो सीमा बनाता है वो बनाता है 1600 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है वो आपका गुजरात है, जबकि दूसरा
राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है वह है आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य आपका समुद्र के साथ सीमा बनाने वाला वो आपका तमिलनाडु, जबकि सबसे छोटा राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है वो आपका है गोवा। वर्तमान में आपके गोवा के सीएम है विजय रूपानी, विजय रूपानी गोवा के वर्तमान में सीएम है, जबकि गुजरात की पहली महिला सीएम बनी थी आपकी आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में यूपी की गवर्नर हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में जनवरी 28 को होती है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सन 1950 में डेट है आपके 28 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विघटन, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कर्माकुचन गति कहा जाता है। भोजन जो नली है उसकी दीवारों में जो संकुचन और प्रसारण होता है उसको कर्माकुचन गति कहा जाता है। आपका कुद लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, ये जो कुद लोक नृत्य ये कहाँ का फेमस है, जम्मू कश्मीर का फेमस है। जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में यूनिट टेरिटरी बन गया है, यूनिट टेरिटरी से बोलेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से आपका राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर से आपका एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख, लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जबकि लद्दाख में दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल। इसी के साथ भारत का एक स्टेट गोवा है, वहाँ भी दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा। वर्तमान में गोवा के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक ये यहाँ के गवर्नर बनने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है आपकी 3। RAW का पूरा नाम होता है, RAW का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला प्रोग्राम कंपाइलर कहा जाता है। जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो बदलने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आपकी हैदराबाद में स्थित है। ये हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि हैदराबाद आपका तेलंगाना का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। रेशम उत्पादन सर्वप्रथम चीन में आरंभ हुआ था, जो रेशम का उत्पादन है वो सर्वप्रथम चीन में आरंभ हुआ था। सन 1923 में तीन स्थिति जिसको थ्री पोजिशन कह सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को गेरिट मॉर्गन ने पेंट करवाया था। 1923 में तीन स्थिति थ्री पोजिशन ने ट्रैफिक सिग्नल को गेरिट मॉर्गन ने पेंट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए आपका कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है, पृथ्वी का जो बाह्य पटल है उस पर उपलब्ध सबसे दूसरा प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। लाल हरा नीला समूह रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं, अर्थात प्राथमिक रंग के अंतर्गत आपका लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग तीन रंग हैं वो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। सप्तऋषि एक तारामंडल का नाम है, जो सप्तऋषि है वो एक तारामंडल का नाम है। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प 1967 में दिया गया था। जो गोवा स्टेट है आपका, गोवा में आपके दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा के वर्तमान गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ के
यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं गोवा के, जो गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प 1967 में दिया गया था। महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए आपका 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। जबकि इसी 1 मई के साथ आपका श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है, श्रमिक बोले तो मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। मछली जो होती है उसके हृदय में दो कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में दो कक्ष होते हैं। TALEX, जिसका संक्षिप्त रूप है टेली प्रिंटर एक्सचेंज, TALE का संक्षिप्त रूप होगा टेली प्रिंटर एक्सचेंज। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर का अचानक गिरना, नीचे एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक गिरना ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है, जो कि आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी शेडल पीक है। अंडमान निकोबार में टोटल द्वीपों की संख्या 572 है, जिसमें कि 37 द्वीपों में आवासीय प्रणाली है, जबकि आपका जो लक्षद्वीप है उसमें टोटल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल साहब ने की थी। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य से संबंधित है। आपका जो हॉर्नबिल उत्सव है नागालैंड राज्य से संबंधित है, ये भारत के पूर्वी राज्य है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष आपके पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। राइनोस्कोप में आपके नाक की जांच की जाती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, जो लाइनेक्स होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होता है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन फेरी क्वीन है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे हम, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, और जबकि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि यमुना नदी है, जो कि गंगा नदी में इलाहाबाद में मिल जाती है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का मतलब है रेल म्यूजियम, आपका नई दिल्ली में स्थित है। विश्व सिंह दिवस या वर्ल्ड लोयन डे आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला कार्बन निगेटिव देश भूटान बना था, पहला कार्बन निगेटिव देश आपका भूटान बना था। इसी के साथ आपको याद रखना है भूटान का राष्ट्रीय खेल तिरंगा जी है। वायुमंडल की परत आयनमंडल रेडियो संचार को संभव बनाती है। जो वायुमंडल की जो आय वायुमंडल में जो आयनमंडल पाई जाती है उसी की वजह से रेडियो संचार को संभव बनाती है। कोई पंचायत अगर भंग हो जाती है तो चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। भारत का जो परमाणु संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1986 में अधिनियमित किया गया था। भारत के 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका ये यहाँ से गुजरात से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से समुद्र है, ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, आपका आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आता है, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल आता है। इधर 4 स्टेट हैं और इधर 5 स्टेट हैं, ये टोटल 9 स्टेट हो गए। इसी के साथ में 5 केंद्र शासित प्रदेश भी इस समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर जो गुजरात है ये स्थल सीमा तो 512 किलोमीटर की सीमा ये पाकिस्तान के साथ बनाता है, जबकि समुद्र के साथ जो सीमा बनाता है ये 1600, समुद्र के साथ जो सीमा बनाएगा ये कितना 1600 किलोमीटर। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि जल समुद्र के साथ सीमा बनाता है वह है गुजरात, जबकि सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे तो वह आपका है गोवा राज्य, जबकि दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है आपका। उत्तराखंड अभी अपनी नई राजधानी बनाया है गैरसैंण को नई राजधानी घोषित किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तोरे यहूदियों का धार्मिक किताब है। ये जो तोरे है ये किताब है किसकी? यहूदियों की एक धार्मिक किताब है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। भारतीय रेल का चुंबकर है भोलू हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माउंट सेंट हेलेना सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसकी राजधानी आपकी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में 50 स्टेट हैं। और अब आपका वर्ल्ड बैंक और आपका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो 13 नंबर के अध्यक्ष हैं। आज तक जितने भी 13 अध्यक्ष बने हैं वो आपके अमेरिका से ही बने हैं। और ये जो दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF है ये आपके अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में स्थित हैं और ये आपके पोटेमेक नदी के किनारे बसे हैं, पोटेमेक नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। जो क्रांतिकारी संस्था है अभिनव भारत का गठन विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में रचा गया है। जो राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जबकि राष्ट्रीय गान की रचना आपकी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान की भी रचना की थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोमार बंगला, अमार सोमार बंगला। कंप्यूटर के संदर्भ में एपलेट एक जावा एप्लीकेशन है। कंप्यूटर के संदर्भ में एपलेट एक जावा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। जो भारत की जो लक्ष्मीबाई बाई थी उसका मूल नाम था मणिकर्णिका। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाग गुजरात के पाटन में स्थित है। ये जो गुजरात रानी की बाग है ये भारत के 100 रुपये के नोट के पीछे भी आपकी छपी हुई है। ये कहाँ पे? गुजरात में है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। VLSI का पूरा नाम होगा वेरी लार्ज स्केल इंटरनेशनल इंटरनेशनल VLSI का पूरा नाम होगा वेरी लार्ज स्केल इंटरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए ESC कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। ESC जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें कुंजी होती है, ESC का प्रयोग किया जाएगा वर्तमान टास्क को रोकने के लिए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है। समुद्री गोडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ है, ये कहाँ पे है? समुद्री गोडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण आपका मध्य प्रदेश सन 2000 में, आपका मध्य प्रदेश अलग होने वाला राज्य आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान CM की बात करेंगे तो यहाँ के वर्तमान CM है भूपेश बघेल साहब यहाँ के वर्तमान CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र 65 ईयर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात रैखिक आवर्धन कहते हैं। जो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से जो अनुपात होता है उसको कहते हैं रैखिक आवर्धन।